हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है वृषण और आप मेरे को देख रहे हो मेरे चैनल पे जिसका नाम है वृषण भामरी फोटोग्राफी एंड व्लॉग्स। और आज मैं आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो लेके आया हूँ, एक यूनिक वीडियो। आज की वीडियो में हम चेन्नई के थोड़े दर्शन करेंगे, चेन्नई से पौंडीचेरी की तरफ जाएंगे, एक बहुत ही यूनिक स्टे पे रुकेंगे और रास्ते में मैं आपको दिखाता चलूँगा कि चेन्नई में ऐसी कौन सी जगहें हैं जो मैं देखना प्रेफर करूँगा। और वेलकम टू चेन्नई। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसी वीडियोस हम बनाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है चेन्नई का मरीना बीच। 13 किलोमीटर इसका स्ट्रेच है। अगर आप चेन्नई आते हैं तो ज़रूर मरीना बीच आइएगा, क्योंकि इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस, रिलैक्सिंग है, काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। अब ऑब्वियसली अगर आप यहाँ आते हैं तो कोशिश कीजिएगा सनराइज़ या सनसेट के दौरान आए। मैं पीछे जा नहीं सकता ऑब्वियसली, क्योंकि कोविड रूल्स के हिसाब से अंदर रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन अगर आप चेन्नई आते हैं तो मरीना बीच ज़रूर विज़िट कीजिएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा। वैसे भी चेन्नई एक कोस्टल टाउन है एंड ऐसे फिशमैन कॉलोनीज़ आपको बहुत मिलेंगी। मैं राइट नाउ खड़ा हूँ रायपुरम फ़िश हार्बर पे। अगर आप फ़िश के शौकीन हैं तो सुबह सुबह आइए, यहाँ पे फ्रेश फ़िश मिलती है, अपनी परचेजिंग कीजिए और अपना मील एंजॉय कीजिए। तो मैंने सोचा इसको भी एटनरी में डाल देना चाहिए, क्योंकि मैं इसके थ्रू जा रहा था। तो चलो आगे देखते हैं। और जो अगला बीच अब आप देख रहे हो मेरे पीछे जो है वो है इलियट्स बीच। इलियट्स बीच बेसंत नगर के पॉश लोकेलिटी में आता है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस विच यू कैन सी, अगर आप देख सकते हो तो मेरे पीछे कुछ कैफ़ेज़ हैं, वहाँ पे कुछ ईटरीज़ हैं, यहाँ थोड़ा आ सकते हैं अगर आप, जब भी परमिशन मिले, जब जगह खुल जाए तो थोड़ा इवनिंग में आके चिल कर सकते हैं और अपनी इवनिंग इन्जॉय कर सकते हैं। तो मैं निकल गया हूँ अपने सफ़र में आगे। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो है ओल्ड महाबलीपुरम रोड, जो ECR को कनेक्ट करता है। मैं यहाँ इसलिए रुका क्योंकि मुझे लगा कि ये एक देखने लायक चीज़ है। बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ये एक मेट्रो स्टेशन है जिसको ऐसे डेवलप किया गया है। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्वाइट फन कि जब हम जा रहे हैं तो ऐसी खूबसूरत चीज़ें दिखने को मिल रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब तक चेन्नई में नारियल पानी नहीं पिया तब तक फ़ायदा क्या। तो अब हम आए हैं तो सोचा कि नारियल पानी भी पिया जाए, तो आपको मैं दिखाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा फ्रेश, बहुत ही रिफ्रेशिंग। अगर आप चेन्नई आते हैं तो ये तो ज़रूर ट्राई करना बनता ही है। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, अब मैं आ गया हूँ एक और स्पॉट पे। इस जगह का नाम है दक्षिण चित्रा, एंड दक्षिण चित्रा अगेन ईस्ट कोस्ट रोड पे ही है। आप अगर पौंडीचेरी के रास्ते में कुछ यूनिक आर्किटेक्चर देखना चाहते हैं, कुछ यूनिक हाउसेस देखना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा स्पॉट है आपके आने के लिए। इसकी मेन खूबी ये है कि इस इंटीरियर्स इसके जो इंटीरियर्स हैं, इसके अंदर जो घर बने हुए हैं, वो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, चारों स्टेट्स के घर हैं, उनका कल्चर है। तो अगर आप यहाँ आते हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं, तो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको जो सदर्न स्टेट्स हैं उनका एक एस्थेटिक वैल्यू पता चले। मेरे पीछे जो देख रहे हैं अब आप, इज दी चिकमंगलूर हाउस, ट्रेडिशनल चिकमंगलूर हाउस है। दिस वाज बेसिकली फेमस, जो सेमी अर्बन मुस्लिम कम्युनिटी थी वो इन घरों में रहते थे। तो ये एक छोटा सा सैम्पल है कि कर्नाटका के रीजन के घर कुछ रूरल एरियाज़ में इस तरीके के हो सकते हैं। तो ये मेरे पीछे है दी आंध्र प्रदेश इक्कत हाउस। बेसिकली वीवर्स कम्युनिटी जो है वो इस टाइप की कंस्ट्रक्शंस को प्रेफर करती है। सो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दिया जाए। दिस इज़ दी आंध्र प्रदेश हाउस, जो आपको दक्षिण चित्रा के अंदर देखने को मिल सकता है। सो बेसिकली कुछ इस तरह का यह इंटीरियर्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं, पुराने ज़माने की वीविंग मशीन्स डिस्प्ले पे हैं यहाँ पे, एंड जस्ट अ बेसिक सिंपल हाउस यूज्ड बाय द व्यूअर्स कम्युनिटी। ऐसे आर्टिफैक्ट्स सारे हाउसेस के अंदर हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो जब आप जाएं तो इन आर्टिफैक्ट्स को भी देख सकते हैं। तो ये एक आर्ट गैलरी भी है जिसको आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए देखें क्या है इसमें। सो नाइस आर्ट गैलरी, अगर आप आर्ट के शौकीन हैं और आपको आर्टिस्ट्री में शौक है तो आप यहाँ आ सकते हैं। कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे कि ये यहाँ पे डिस्प्ले पे है ओनली टिल द एंड ऑफ द मंथ। इसकी एक यूनिक इम्पोर्टेंस भी है, मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल नहीं पाई, लेकिन दिस इज़ वन गो टू प्लेस अगर आप दक्षिण चित्रा आते हैं तो। अब मैं आ गया हूँ ट्रेडिशनल चेट्टिनाड हाउस। चेट्टिनाड हाउस बेसिकली तमिलनाडु हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसके इंटीरियर्स हैं, ऐसी काफ़ी घर आपने फिल्मों में देखे होंगे, मूवीज़ में देखे होंगे, तो एक उसका एक छोटा सा रेप्लिका यहाँ भी है। एंड नाइस हाउस, प्रीटी गुड हाउस। सो वेलकम टू केरला। अब मेरे पीछे जो भी आ रहा है, ये सब केरला आर्किटेक्चर के हिसाब से बना हुआ है। जो यहाँ का एम्बियंस है वो भी उन्होंने, काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी एक डिज़ाइन है, और अगर आप मेरे पीछे सबसे पीछे देखें तो वो भी एक केरला स्टाइल में आर्किटेक्चर बना रखा है, देखिए। सो ऑल इन ऑल नाइस फील, नाइस वाइब, चारों स्टेट्स के ट्रेडिशनल टच इस यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप आ रहे हो इस साइड तो इस जगह को विज़िट करना मत भूलना। और लास्टली, अगर आप हिस्ट्री के एक बफ हो तो ये जगह आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरे पीछे कुछ तंजावुर पेंटिंग्स भी लगी हुई हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, हिस्ट्री है, तमिल स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। सो जिनको हिस्ट्री पसंद है तो यहाँ आ सकते हैं, थोड़ी डिटेल्स पढ़ सकते हैं और साउथ इंडिया के कल्चर को थोड़ा और डीपली जान सकते हैं।
मेरे लास्ट डेस्टिनेशन पांडिचेरी पहुंचने से पहले मैंने सोचा कि यहाँ रुकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, एंड ये महाबलीपुरम शो टेम्पल है। मेरे पीछे आप शो टेम्पल देख रहे हैं, उसके पीछे करीबन पूरा होराइजन समुंदर का है। इसकी एक अलग हिस्ट्री है, 700 AD में पल्लवा डायनेस्टी ने इसको बनवाया था, एंड ये पहले पोर्ट के लिए यूज़ होता था, ट्रेड रूट था ये। उसके बाद इस जगह को डेवलप कर दिया गया, सुनामी जब आया था चेन्नई में तो उसके बाद ये पूरा जगह तबाह हो गया था। तो अब मैंने सोचा कि जब मैं जा ही रहा हूँ तो क्यों ना ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिखाता हुआ चलूँ। मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस एंड हैज़ अ ब्यूटीफुल लॉन बिहाइंड मी। आप यहाँ आ सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंच गया हूं। आज रात मैं यहां रुकूंगा। इस जगह का नाम है ग्रुटोटल। ये पांडिचेरी के अंदर है, ऑरोविल के रास्ते में पड़ता है। ये रूम मैंने इसलिए बुक किया है क्योंकि कल मैंने और साउथ जाना है, मेरी एक ट्रिप प्लान्ड है। कल उस ट्रिप के बारे में मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊँगा, लेकिन आज रात के लिए यही। इस होटल की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप बुक कर सकते हैं। मैंने इसको एयरबीएनबी से बुक किया है। ये बहुत ही कोजी कंफर्टेबल अकोमोडेशन है। यदि आप पांडिचेरी में रुक रहे हैं या आगे जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये जगह। तो एक छोटा सा रूम टूर, बहुत ही कोजी कॉम्पैक्ट रूम है। अकोमोडेशन क्लीन है, हाइजीनिक है। मैंने अपना सामान यहाँ रख दिया है। जैसे आप देख सकते हैं पीछे वॉशरूम भी है। चार्जिंग सॉकेट्स बहुत सारे दे रखे हैं। तो ऑल इन ऑल फॉर अ वन नाइट स्टे, फॉर अ ट्रांजिट पैसेंजर, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया अकोमोडेशन है। तो अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो ज़रूर इस जगह को चेकआउट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगला व्लॉग ज़रूर देखिएगा क्योंकि अगले व्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग है। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।